जहां झज्जर विधानसभा को लेकर सभी पार्टियों के उम्मीदवारों की गतिविधियां तेज हैं, वहीं निर्दलीय उम्मीदवार भी पीछे नहीं हैं, अपना जोर चुनावी दंगल में दिखा रहे हैं। जहां झज्जर विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर राकेश कुमार हैं, वहीं कांग्रेस से गीता भुक्कल हैं, वहीं उभरता हुआ एक नया चेहरा संदीप राजवर जो की झज्जर विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार हैं, अपनी पकड़ मजबूत बना रहे हैं। जन समर्थन उनको मिल रहा है। वे अपनी विधानसभा में चुनाव प्रचार को लेकर पूरी तैयारियों के साथ जुटे हुए हैं। वहीं उन्होंने आज चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, वर्ल्ड कॉलेज के छात्रों की जो दुर्दशा हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? उन्होंने कहा, पहले जनता के पास विकल्प नहीं था, लेकिन आज मुझे वे विकल्प के रूप में देख रहे हैं। वे इन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पैराशूट उम्मीदवार उतारे हैं। उन्होंने कहा, मैं एक परिवार एक वोट की अपील लेकर घर से निकला था, लेकिन जनता कहती है कि पूरी वोट आपकी है, जनता का पूर्ण बहुमत उनके साथ है। उन्होंने कहा कि अपनी विधानसभा में क्या क्या समस्याएं गिनवाई जाए, क्योंकि सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस को ये उभरता हुआ नया चेहरा, जो वैसे तो अपनी विधानसभा में काफी समय से जनता की सेवा में है, क्या विपक्षी पार्टियों को टक्कर दे पाएगा, ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। दौरे स्टार्ट कर दिए, गांव-गांव जाके दौरे कर रहे हो, कैसा क्या समर्थन मिल रहा आपको? दौरे तो साहब 6 महीने पहले से हमने शुरू कर दिए थे, और अभी 3 महीने से तो हमारे तूफानी और डोर टू डोर मैन टू मैन दौरे हैं, और इतना समर्थन हमें मिल रहा है जिसका व्यक्ति हिसाब नहीं लगा सकता। लोग आपको दिखेंगे कि पार्टी की लहर है, कोई कहेगा कांग्रेस की लहर है, कोई कहेगा बीजेपी की लहर है, लेकिन हमारी वोट साइलेंट है। जो 20% ठग है राजनीतिक, जो ठेकेदार हैं वोटों के, अब की बार हमने उनका इलाज कर दिया है। अब हम सीधे लोगों से मिले हैं तो हमें पता लगा कि लोग पार्टियों से तंग हैं और उनको हामी भरनी पड़ती है कि हम वोट देंगे, लेकिन दिल से वो बिल्कुल तैयार नहीं है। हर गांव से हर गली से यही बात बोलते हैं कि हमें विकल्प नहीं पता था, क्योंकि वो मैडम भुक्कल को नहीं बनाना चाहते और बीजेपी के कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहते, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अब मुझे लोग एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं और पूरा सपोर्ट मुझे कर रहे हैं, और मैं तो मांगने चला था एक परिवार एक वोट, लेकिन लोग कह रहे कि आपको सारी वोट देंगे, अपने नियर एंड डियर सभी की वोट दिलवाएंगे। अब गली गली डोर टू डोर कर रहे हो, लोगों के बीच में जा रहे हो, क्या क्या समस्याएं निकल के आ रही है? देखिए, समस्याएं कोई एक हो तो गिनवाऊं, इतनी भारी समस्या। सबसे बड़ी समस्या जो मेरे सामने आई हमारे गांव और शहर, इनमें सुरक्षा की, शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र। अब आप देखिए, हमने सरकार को बोला कि बीजेपी में अभी बात की हमने और कांग्रेस में भी, कि जितनी जैसे आप ये गली देखते हैं कि गली जो मेन है उस पर गेट लग जाना चाहिए, और वहाँ कम से कम 2 पुलिसकर्मी तैनात रहें, ताकि कोई बाहर का आदमी किसी गलत मकसद से आता है तो उसको वहाँ उसको पकड़ा जाए, उससे पूछा जाए किसके लिए आए हो, क्या काम आए हो, कहाँ जाना है, उसका एक आईडी प्रूफ देखा जाए। अब आप देखिए, पिछले दिनों में सुरक्षा के मामले में सेक्टर 6 में 5 डेड बॉडी मिली हैं। अब ये सेक्टर का ये हाल है तो हमारी ये छोटी छोटी कॉलोनियाँ, मॉडल टाउन, सुभाष नगर और ये अपने जोर गलियाँ हैं बस स्टैंड के आसपास, ये हमारे मंडी मोहल्ले, दिल्ली गेट, सिलानी गेट, अब उनमें क्या हाल होगा? इसीलिए कत्ल की घटनाएं होती हैं, बलात्कार होते हैं, क्योंकि सुरक्षा का इंतज़ाम इन लोगों ने किया ही नहीं। तो लोग सीधा मुझे कह रहे हैं कि आप ये काम कर सकते हो, क्योंकि आवाज़ मैंने उठाई है। तो अब की बार मेरे साथ पूरा जन समर्थन है। हाँ, मेरे आदमी सीधे खुले पे नहीं आते, क्योंकि जिस दिन मैंने चुनाव लड़ना तय किया था मैंने बोल दिया था कोई रैली नहीं देंगे, कोई धरना नहीं धराएंगे, सिर्फ शांति से, ये अमन का देश है भारत, शांति का, अमन का, हम ऐसे तरीके से कंपेनिंग करेंगे कि लोग हमसे डिस्टर्ब ना हो। अब जैसे साउंड पोल्यूशन, इन पार्टी वालों ने 20-20 गाड़ी अपने प्रचार के लिए छोड़ रखी, तो आप देखिए उसमें लोग कितने परेशान हो रहे हैं, और आप हमारी सभाएं देखिए कोई माइक नहीं है। तो हमें लोगों को परेशान नहीं करना, हम बड़े शांति से वोट मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो फील्ड से निकल के आ रही है कि हम झज्जर के किसी व्यक्ति को वोट देंगे जो कि मैं हूँ, बाहर वाले को किसी कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। बाहर वाले 10 साल बना के देखी, कुछ नहीं किया, अब फिर पैराशूट बाहरी कैंडिडेट आ गया, अब ये इनसे भी परेशान है, और ये सीधा बोलते कि पैराशूट से रावण उतरा था और सीता मैया को उठा के ले गया था। तो अब की बार पैराशूट उम्मीदवार को हम यहाँ से बाहर कर देंगे, और आने वाले समय में कोई भी राजनीतिक दल
यहाँ पैराशूट कैंडिडेट देने की हिम्मत नहीं कर सकेगा, ये जनता की आवाज़ है। गीता बुक्कल जी है जो 10 साल से यहाँ पे शासन में है, वो क्या बोलते हैं शिक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं, फिर भी वर्ल्ड कॉलेज के बच्चों के मामला आपके सामने आया होगा। देखिए, वर्ल्ड कॉलेज के स्टूडेंट से मैं मिला और वहाँ उनसे पूछताछ की, उनके साथ वाकई बहुत गलत हो रहा है, उनसे फीस ले ली गई है और जो बच्चा पढ़ने के लिए जिन्होंने PMT क्लियर की और उसके लिए वो आए और उनके लिए ना प्रैक्टिकल का कोई सामान, ना कोई पोस्टमार्टम की जो ट्रेनिंग देते हैं, कोई डेड बॉडी आती, ना कोई इंस्ट्रूमेंट और उनकी क्लासेस नहीं होती। अब बिना प्रैक्टिकल के अगर वो डॉक्टर बन गए, अब वो डिग्री के लिए नहीं लड़ रहे हो बच्चे, वो काम के लिए कि हम इंटेलिजेंट बने और अगर फील्ड में जब डॉक्टर बने तो हमारी प्रतिभा निखर के आए। लेकिन ये सरकार की या इन प्राइवेट कॉलेज की बहुत बड़ी गलती है, इसीलिए हमने इलेक्शन में अपना मेन मुद्दा बनाया कि सरकार हमें सरकारी यूनिवर्सिटी बनवाए हमारे झज्जर में, जो कि बननी चाहिए, हमारा हक है। और दूसरा, लड़कियों के लिए प्राइवेट कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, और जितनी छात्राएं हमारी बाहर जाती हैं पढ़ने या शहर में भी जाती हैं, उनके लिए सरकारी बस सेवा का प्रबंध करें। और ये हमारी शिक्षा मंत्री महोदया जो थी, ये काम सारे कर सकती थी। मैं इनसे पूछता हूँ, इन्होंने ये काम क्यों नहीं किए? अब प्राइवेट कॉलेज किस लिए आते? हमारा एरिया इतना अमीर नहीं है गुड़गांव की तरह, यहाँ प्राइवेट कॉलेजों का क्या मतलब है? यहाँ सरकारी कॉलेज हो, और हमारे इतने बड़े बैंक में पैसे नहीं हैं कि हम बच्चियों को शहर से बाहर पढ़ाएँ या किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाएँ, तो फिर करना क्या पड़ता? लड़की की शादी कर दी जाती है। तो हमने पहली आवाज़ ये उठाई कि यहाँ मेडिकल कॉलेज और सरकारी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और ये जनता में इस बात का रोष है, इनको अब की बार वोट नहीं देंगे। अब ये 20-20-50 हज़ार रुपये गाँव के किसी ठेकेदार को पकड़ते हैं कि वोट के लिए पकड़ो, हमारी मीटिंग कराओ, फिर उसकी भीड़ दिखाते हैं फेसबुक में, सोशल मीडिया में। ये लोग झूठे हैं, बकवास कर रहे हैं, कोई भीड़ नहीं है, किराए के टट्टू पकड़ते हैं, इनके ठेकेदार हैं, अब की बार समाज इनका गंडा बांधेगा। झज्जर हल्के के लिए क्या मैसेज? झज्जर हल्के को मैं क्या कह सकता हूँ, बहुत समझदार जनता है ये। ये शहर है पंडित श्री राम शर्मा का, जो महान स्वतंत्रता सेनानी हुए, राव मंगली राम जी, जिन्होंने रेल के लिए मेहनत की, चित्रसेन सैनी जी, इतने बड़े बड़े यहाँ लोग आंदोलनकारी हुए हैं और आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, और लड़ाई लड़ी है, आज़ादी की लड़ाई हमारा शहर लड़े और यहाँ राज करने कोई बाहर का है, ये बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मेरा झज्जर वासियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस अपमान का बदला लेंगे और हके हल्का झज्जर हम अपना लेंगे। बस मेरी जनता से अपील है कि आप सारी वोट ना दे सकें तो कम से कम एक परिवार एक वोट मुझे ज़रूर दे, और मैं उन आप लोगों से वचन देता हूँ कि ये आपका एक वोट इन पैराशूट कैंडिडेटों को एक वोट शूट कर देगा। चुनाव चिन्ह हमारा AC है, संपन्नता की निशानी है। हमने बोल दिया है कि जो मंत्रियों का AC छीनना है और झज्जर हल्के के घर घर में AC को लगवाना है। झज्जर से विजेंद्र मलिक के साथ नीरज की रिपोर्ट, हर न्यूज़ 24।